परसेंट लोगों ने जॉब करना है और 30% से भी कम ऐसे कुछ चांसेस थे हाँ चलो बिजनेस करना है। आपने बहुत सुना होगा ना कि कॉलेज ग्रेजुएट्स हर साल ग्रेजुएट हो रहे हैं फिर भी उनको जैसा जॉब चाहिए वैसा जॉब नहीं मिल रहा है, राइट? कैसे मिलेगा जॉब जब नए नए बिजनेसेस क्रिएट नहीं हो रहे हैं? क्योंकि एक पर्सन जब एक बिजनेस स्टार्ट करता है तो कम से कम 10 लोगों को, 20 लोगों को, 50 लोगों को जॉब मिलती है। बट यहाँ पर जो क्रिएशन है ना, क्रिएशन टू स्टार्ट करना, वो हमारे ना थॉट प्रोसेस से निकल चुका है। खुद का बिजनेस करना है, सोचते हैं बिजनेस कौन सा करूँ, कैसे करूँ, करना है ये वर्ड पे भी हाथ नहीं उठता। क्या करना है वो तो सेकेंड पार्ट है। समझ में आ रहा हम लोगों को? फर्स्ट पार्ट होता है हमारा मोबाइल चाहिए, फिर कौन सा चाहिए वो सेकेंड क्वेश्चन। बट हम फर्स्ट में ही हमारा क्लियर नहीं होता कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। अगर मैं आप लोगों को, जो लोगों ने जॉब के लिए हाथ उठाया, मैं बोलूँ जॉब के लिए अगर आप पढ़ाई करो तो मत करो। जॉब के लिए क्यों पढ़ाई करो? जॉब तो किसी को भी मिल जाता है। किसने बोला कि जॉब करने के लिए सिविल इंजीनियरिंग करना जरूरी है या वर्तक में एडमिशन लेना जरूरी है या ग्रेजुएट होना जरूरी है? सॉरी टू से, किसी ने अगर बोला है कि पढ़ाई करना है क्योंकि जॉब चाहिए तो गलत है। आप स्टेशन पे जाओ, छोटे बड़े स्टिकर्स लेके रहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड पाइजिए, 15 से 20 हज़ार सैलरी, रहना खाना फ्री, जॉब है कि नहीं? कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, ये जॉब है, सैलरी भी अच्छी है उसके लिए। अगर एक स्टार्टिंग से बोले 15 से 20 हज़ार 12 हज़ार मिल रहा है ना, तो बहुत अच्छी सैलरी है। एक बी कॉम ग्रेजुएट को भी ये ड्रीम है कि मेरे को 10-12 हज़ार की सैलरी मिल जाए। मैं करंट सिनेरियो में बात करूँगा, मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करूँगा, जो लेवल पे है, स्टार्टिंग है, वो मैं पहले बात करूँगा, राइट है? तो फैक्ट की अगर हम बात करें तो फैक्ट यही है कि आज मार्केट में जॉब नहीं है, और जॉब है तो लोग नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियाँ बोल रही है कि हमको कैंडिडेट चाहिए। जैसे अगर जॉब नहीं होती तो Naukri.com पक्की बंद हो गई होती, Monster.com आपका बंद हो गया होगा। ये कंपनियां तो और ग्रो कर रही है, कैंडिडेट भी मार्केट में बहुत सारे हैं। तो कंफ्यूज हूँ मैं थोड़ा सा, समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतनी सारी जॉब्स अवेलेबल है, इतने सारे कैंडिडेट अवेलेबल है। कैंडिडेट बोलते हैं जॉब नहीं है, कंपनीज बोलती है लोग नहीं है। कोई बता सकता है इनमें से क्या प्रॉब्लम होगी? यस, कम्युनिकेशन गैप। जाओ Naukri.com पे अप्लाई करो, कम्युनिकेशन गैप खत्म हो जाएगा, उसके लिए कंपनी खुली। ये सर कंपनी में इंटरव्यू दो, कम्युनिकेशन गैप खत्म। हमारी प्रॉब्लम ये है कि जो डिमांड है हम उसको सप्लाई नहीं देते। जो कैंडिडेट हमको चाहिए ना, उस हिसाब से कैंडिडेट रेडी नहीं हो। आपको क्या लगता है कि आप अगर ये डिप्लोमा फिनिश करने के बाद, ये डिग्री फिनिश करने के बाद जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपको अपने स्किल की वजह से आपको हायर करेंगे? कितने लोगों को लगता है हमारी स्किल की वजह से हमको हायर किया जाता है? हर कंपनी को पता है ये प्रेशर है, इसके पास वो स्किल नहीं है जो हमें चाहिए। इसके पास बेस नॉलेज है, थोड़ा बहुत नॉलेज है उस फील्ड का, हमें इसको ट्रेन करना पड़ेगा, दैट इज ये प्रेशर है, एक्सपीरियंस नहीं। तो वो लोग हमें, हमारी स्किल सेकेंडरी होती है, प्राइमरी वो हमारा बिहेवियर चेक करते हैं, हमारा बात करने का तरीका कैसा है, हमने इंटरव्यू कैसे दिया, हमारा ड्रेस कोड कैसा था, हमारा प्रोफेशनलिज्म कैसा था। जब वो ये सब चेक करते ना, भर भर के माइनस पॉइंट होते हैं हमारे अंदर। हमको आज तक पता नहीं चलता इंटरव्यू पे जाते कैसे, कैसे अपने आपको प्रिपेयर करना है, कौन सा क्वेश्चन पूछेगा तो क्या आंसर्स देने, राइट है? तो जितने भी लोग अगर कहीं पर लगे हैं जॉब में, तो आप देखो कैसे न कैसे एंट्री ले लेते हैं। बट आप देखो अगर वो जॉब से निकाले गए ना, तो अपने बिहेवियर की वजह से 95% में आपको रेटिंग दे सकते। 95% लोग जॉबनेशंस में जॉबलेस हो रहे ना अपने बिहेवियर की वजह से। तो बहुत सारे कंफ्यूजिंग टॉपिक्स हैं, जॉब करें तो कौन सा करें, डिमांड को सप्लाई दे रहे हैं क्या, जो हम पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं, उसमें सही जॉब मिल जाएगी क्या, या जॉब के लिए पढ़ाई कर रहे हैं कि बिजनेस के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, बिजनेस करें तो कौन सा बिजनेस करें। ये बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर ना ये सेमिनार में मिलने वाले हैं। एक थोड़ा सा करेक्शन करूंगा, आप में से बैठा हुआ हर एक स्टूडेंट जॉब के लिए नहीं पढ़ाई कर रहा है, वो करियर के लिए पढ़ाई कर रहा है। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड करियर?